पीछे ना आओ। सी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। अभी बजे हैं 6:30 भी नहीं हुए मॉर्निंग के और आज है फ्राइडे। मैंने सोचा कि आज का व्लॉग मैं मॉर्निंग से ही शुरू करती हूँ। तो फ्राइडे के दिन हम मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक जो भी करते हैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो स्टे ट्यून। जॉगिंग पे जाएंगे, पानी पी लिया मैंने। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मैं जॉगिंग ही करती हूँ, थोड़ा सा वो योगा करती हूँ अपने। चलिए फिर जॉगिंग के लिए चलते हैं, लेट्स गो। सो यहाँ पर हम जॉगिंग करके वापस आ चुके थे और मैंने बच्चों को नाश्ता करवाया, हस्बैंड को नाश्ता दिया और फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया, जिसमें मैंने एक स्टीम एग लिया, चाय ली और दो ब्रेड के स्लाइसेस लिए और यही है मेरा नाश्ता। के चले गए थे, लाइट बंद कर देती हूँ। अब इधर का भी लाइट जला हुआ है। आवाज सो रहा है, नवाज उठो उठो बेबी, तैयारी कर रही है सुबह। ये 5 बजे का इसने अलार्म लगाया था पर वह अलार्म बंद करके फिर सो। यहाँ पर कोशिश कर रही है मैथ्स। तो जल्दी से मैं अपना नाश्ता ख़त्म करती हूँ और लग जाते हैं घर के काम में, बहुत सारे काम हैं। भूल गए हैं मेरे सिंक बिल्कुल साफ। चेक कर दिया, बच्चों को घुसने बिल्कुल नहीं दूंगी। सो घर का काम करने के बाद फिर नहा लिया मैंने और नमाज़ पढ़ ली, जोहर की नमाज़ पढ़ रही हूँ मैं। उसके बाद मैंने कुरान तिलावत की थी और यही मेरी रूटीन है, 13 साल से मैं यही रूटीन फॉलो कर रही हूँ। शादी से पहले इतना नहीं कर पाती थी क्योंकि मुझे जॉब पर जाना पड़ता था और अब तो बस काम के बाद घर पे ही रहना है, तो मैं ये काम सोचती हूँ कि ये काम पहले कर लूँ। और जिस दिन मैं नहीं पढ़ती ना उस दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिस दिन मैं कुरान नमाज़ सब कर लेती हूँ ना उस दिन ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया अपनी लाइफ में, आज के दिन मैंने कुछ किया। खैर अपने लिए तो इंसान सब कुछ कर रहा है, घूमना फिरना, टीवी देखना, मोबाइल देखना, हर किसी के चीज़ के लिए वक्त निकाल ही ले रहे हैं, लेकिन हम अपने अल्लाह पाक के लिए कितना वक्त निकाल रहे हैं ये सबको सोचना चाहिए आई थिंक। और जो लोग पढ़ते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ये चीज़ हमेशा हमेशा के लिए कायम रखूँ। और मुझे बच्चे देखेंगे तो मुझसे भी बच्चे सीखेंगे कि मम्मी क्या करती थी पहले, मैं क्या करती थी, मुझे देख करके वो आगे सीखेंगे, वही करेंगे और लोगों को भी बताएंगे कि मेरी मम्मी ऐसा ऐसा करती थी। तो मैं बच्चों को अच्छी चीज़, एक अच्छी आदत देना चाहती हूँ। तो रात को हमने ग्रॉसरी की थी कल, तो आज मैं निकाल कर सारी चीज़ें सेट कर ले रही हूँ। बाकी ग्रॉसरी मैंने सेट कर दी है, ये बिस्किट वगैरह है जो मैं अभी सेट कर रही हूँ। बिस्किट तो मैं बहुत ही कम ला रही हूँ आजकल क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे जो डाइट में अनहेल्दी चीज़ें ऐड हो, इसको मैं धीरे धीरे रिप्लेस करती जा रही हूँ हेल्दी चीज़ों से। तो बिस्किट के जगह मैं बच्चों को कॉर्नफ्लेक्स दे देती हूँ या फिर चौकोस, और कभी कभार मैं मैगी भी दे देती हूँ। तो और कोशिश कर रही हूँ कि बच्चे फ्रूट्स और नट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, अगर हम दे सके तो उन्हें देना चाहिए और अगर नहीं दे सके तो कोई बात नहीं। हमने भी बचपन में इतने फल फ्रूट्स नहीं खाए हैं क्योंकि हमें पसंद ही नहीं थे। और यहाँ पर मैंने लंच बना दिया है और लंच में मैंने पालक और चने की दाल बनाई थी, मटर और पनीर बनाए हैं। कल नवाज़ का EVS का पेपर है और मैंने कल रात को ही उसको इतने सारे क्वेश्चन पेपर बना के दिए थे, तो दो उसने दो वर्कशीट बाकी है तो इसका रिवीजन करते हैं क्योंकि कल इसका है EVS का टेस्ट। तो इतनी तैयारी क्या कह रहे हो? EVS का क्वेश्चन है ना इजी क्वेश्चन आता है, कम कम। ओहो, स्पेल 3 वर्कशीट है इसमें। यहाँ पर बच्चों के लिए मैगी बना रही हूँ, यहाँ पर दूध गर्म कर रही हूँ, बच्चों को उठा के पिलाऊँ। तो शाम के टाइम बच्चों के लिए मैंने मैगी बना दी थी क्योंकि बच्चों ने कल देख ही लिया था कि हम मैगी लेकर के आए थे और जब तक ये ख़त्म नहीं होगी तब तक तो वो मैगी मांगते ही रहेंगे। ख़ासतौर से नवाज़ मैगी के लिए बहुत ज़िद करता है, कशिश तो नहीं करती उतना। और कशिश भी बहुत ही पिकी है खाने में, बहुत मुश्किलों से उसको खिलाना पड़ता है, उसे खाने पीने में बिल्कुल इंटरेस्ट। मैंने दिया एक मटरी और ये बेसन के, क्या कहते हैं इसको, ये बेसन के चिप्स साथ में, और ये मेरी डॉल हाउस वाली कप प्लेट। तो अब मैं और अभी हम करते हैं चाय एंजॉय। देखिए मेरा प्यारा सा कप, देखिए
देखे हैं मम्मी चाय के मज के साथ चाय को पी रही है। मम्मी कितना मजा आ रहा है। तो आज डिनर में मैं बना रही हूँ भिंडी गोश्त, जिसके लिए मैंने मटन लिया है और यहाँ तेल में मैं 4 बड़ी इलायची, 2 तेज पत्ते और 2 दालचीनी के टुकड़े डाल करके इसको थोड़ा सा सोटे करूँगी। और इसमें मैंने अब मटन डाल दिए हैं और साथ में मैंने डाला है इसमें 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और नमक, और साथ में जाएगा इसमें 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, और साथ में ही मैंने डाला है इसमें टमाटो की प्योरी। अगर टमाटो प्योरी आपके पास नहीं है तो आप छोटे छोटे करके टमाटर के टुकड़े डाल सकते हैं। और साथ में मैंने डाली है छोटी कटोरी भर के दही, और ये प्याज डाल रही हूँ मैं जिसको मैंने बिरयानी करके रखा हुआ था, इसका 1/3 हिस्सा मैंने डाला है, बाकी थोड़ा सा बचा लिया है जो मैं बाद में इसको डालूंगी। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूंगी और ढक्कन बंद कर दिया है मैंने यहाँ पे, और इसको हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने तक पकाना है और फिर गैस को मीडियम टू लो करके इसको 12 मिनट तक पकाना है। यहाँ पे मैंने भिंडी ले लिया है जिसको धोने के बाद, सुखाने के बाद मैंने स्लिट लगा लिया है और इसको मैं अभी शैलो फ्राई करूँगी फ्राइंग पैन में। तो ये मैंने भिंडी को यहाँ पे फ्राइंग पैन में थोड़े से तेल के साथ डाल दिया है, और इन भिंडियों में मैं अभी डालूँगी लाल मिर्च और नमक पाव थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैं नमक और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाली है मैंने, और इसको अभी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इधर गोश्त भी गल चुका है और इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। अभी इसको अच्छे से भूनना है, जब इसका तेल निकल जाए तो फिर आपको डालना है वो भिंडी जो हमने शैलो फ्राई करके रखी हुई थी। तो अभी मैं इसमें भिंडी डाल रही हूँ, आप देख लीजिए। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च कटी हुई, और साथ में मैंने डाला है इसमें जो बचा हुआ प्याज था जो मैंने डीप फ्राई करके रखा हुआ था वो, और इसको अब मैं मिक्स करके ढक्कन बंद करके रख दूँगी 5 मिनट के लिए। बस तैयार है ये। बस हल्दी डाल। कितने बज रहे हैं अभी? 9:45 बज, देखो क्या क्या खा रहे। तो सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी, बिल्कुल तैयार है और बहुत ही टेम्पटिंग है, माउथ वाटरिंग है। और इधर मैंने फुलके बना लिए थे और साथ में मैंने चावल बनाया था। चावल के बिना हमारा बिल्कुल भी गुजारा नहीं है, हमें चावल चाहिए भाई। हम असम और बंगाल के लोग चावल तो खाते हैं, और यहाँ पे देखिए कितनी प्यार टेस्टी लग रही है देखने में, और खाने में भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी थी। आप ट्राई कर सकते हैं इसको, और ये रोटी के साथ ज़्यादा मज़ेदार लग रही थी, जितने चावल के साथ नहीं लगी, रोटी के साथ ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो आप चावल से खाएं, रोटी से खाएं, नो मैटर, ये इसका टेस्ट A1 था। तो यहाँ पर नाश्ता, सॉरी डिनर करने के बाद हम थोड़ा बाहर निकल आए थे। आइसक्रीम खाने का बड़ा मन कर रहा था आज रात में, तो हस्बैंड गए हैं केमिस्ट में, कुछ चीज़ें चाहिए थी मुझे। एक हेयर ऑयल बनाना था मुझे, तो उसके लिए मुझे कैस्टर ऑयल की ज़रूरत। कैस्टर ऑयल है और ये विटामिन ई के कैप्सूल से इवियन के। दोस्तों मुझे हेयर फॉल की बहुत ही बेहतरीन से एक रेमेडी मिली है, जिसको मैंने यूट्यूब पे गूगल पे सर्च कर करके इसको ढूंढ निकाला है। तो मैं इसको आपके साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो यहीं तक था आज का मेरा ब्लॉग, अगर आपको अच्छे लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।